और इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु बिहार सरकार और मुखिया नीतीश कुमार की सद्बुद्धि हेतु साईं मंदिर स्थित शनि मंदिर के प्रांगण में सद्बुद्धि हवन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश मंत्री अंशिक सिंह ने कहा कि आज पूरे बिहार में यह हवन पूजन का आयोजन किया गया है ताकि सरकार को शिक्षा और रोजगार के प्रति सद्बुद्धि मिले। पूरे बिहार में 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने हवन किया है। बिहार सरकार शिक्षित बेरोजगारों पर अत्याचार कर रही है। छात्रों ने कहा कि 28 जनवरी 2020 को BACB द्वारा आयोजित स्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं रद्द हुई, जिसमें 317 केंद्रों पर ली गई थी। दो पाली में हुई परीक्षा में 2,47,241 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पाली में 1,81,738 और दूसरी पाली में 65,503 परीक्षार्थी शामिल, कुल 2,47,241 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फॉर्म भरने के लगभग 7 माह बाद परीक्षा हुई। परीक्षा में हर बार की तरह पूरे बिहार में 5 केंद्रों पर गड़बड़ी की आशंकाएं हुई। इसके बाद इन 5 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दिया गया। दोबारा उसका परीक्षण फरवरी माह में लिया गया। जिन छात्रों का परीक्षा रद्द किया गया था उसके बाद छात्र अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज फॉर्म भरने से लेकर आज तक 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद सरकार यह बोलकर परीक्षा रद्द कर रही है कि परीक्षा का प्रश्न सिलेबस से बाहर था और परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई थी। सवाल यह है कि जब सिलेबस से बाहर सवाल थे तो उन सवालों को बनाया कौन था, उसे उसी समय क्यों नहीं चेक किया गया, या जिन केंद्रों पर गड़बड़ी हुई थी उनका परीक्षा पुनः फरवरी में जब ले लिया गया तो फिर एग्जाम रद्द करने का मतलब क्या है? जब रद्द ही करना था तो इतना समय क्यों लगाया गया? छात्रों का जो परीक्षा देने में परेशानी हुई उसका क्या? फार्म भरने में 800 रुपये लगे थे और परीक्षा देने के क्रम में जो खर्च हुए थे वो अलग, इसकी जवाबदेही किसका है? एक और बात, बिहार का कोई भी ऐसा परीक्षा जो सरकार एक बार कंडक्ट कराया हो और बिना किसी धांधली के उसका रिजल्ट प्रकाशित किया हो, क्या सरकार छात्रों से नौकरी के नाम पर बड़ी संख्या में फॉर्म भरवा कर पैसा कमाने की योजना तो नहीं बनाता है? वर्ष 2014 में बिहार SSC का फॉर्म भरवाया गया था, जिसकी परीक्षा 2 साल बाद हुई, पुनः उसको रद्द कर दिया गया, फिर से परीक्षा कराया गया और आज तक रिजल्ट नहीं आया है। बिहार दरोगा परीक्षा में सरकार पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के और गड़बड़ी का आरोप सामने आया। या बोले कि बिहार में गड़बड़ी पहले होती है, रिजल्ट पहले प्रकाशित हो जाता है, परीक्षा होने से या फिर रिजल्ट आता ही नहीं। छात्रों को बेरोजगार ही बनाना है तो लाखों युवाओं से 800 और 1000 रुपये उगाही करने का क्या मतलब है? बिहार पुलिस की परीक्षा और उसमें छात्रों की परेशानी तो लोगों को पता ही होगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश कुमार एवं सौरभ सिंह ने बताया कि दुर्भाग्य है इस बिहार का, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और उसके मुखिया कुर्सी कुमार है। छात्र पर छात्र त्रस्त हैं किंतु नीतीश सरकार AC में मस्त है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद औरंगाबाद ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण व आत्मघाती कदम ठहराया था। अभाविप कार्यालय में धरना दिया था। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिखकर तुरंत पुनर्विचार का आग्रह किया था। स्टेट परीक्षा के पूरे घटनाक्रम के अध्ययन हेतु अभाविप ने राज्य स्तर पर इसका विरोध किया था। प्राथमिक को मध्य को हाई तथा हाई स्कूल को इंटर स्कूल में उत्क्रमित करने का आदेश, बिना शिक्षक बहाली के पढ़ाई कैसे? लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार, युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल जाता लेकिन शिक्षक बहाली रोकना आखिर क्यों? इन तमाम सवालों को लेकर के अभाविप के द्वारा बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु बिहार सरकार और मुखिया नीतीश कुमार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार प्रदेश भर में शिक्षा नीति को लेकर के, जो बिहार सरकार द्वारा STET एग्जाम को रद्द कर दिया गया, और हमारे विद्यार्थी परिषद का मांग है कि जो भी बच्चे बाहर रहते थे रूम रेंट उनका माफ़ हो, और ऐसे कई शिक्षा से संबंधित मांगों को लेकर के बिहार सरकार को सद्बुद्धि हो और वो STET के एग्जाम जो रद्द किए हैं उस पर पुनर्विचार करें। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे बिहार प्रदेश भर में हवन करके बिहार सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन किया और प्रार्थना किया कि बिहार सरकार को सद्बुद्धि हो और STET एग्जाम को लेकर के पुनर्विचार करे और सभी छात्रों का रूम रेंट माफ़ करे और शिक्षा संबंधित कुछ नई पहल करे, योजना करे, जिससे युवाओं में खुशी हो और उन्हें रोजगार और शिक्षा सही से मिल सके।